राजापुर नाम के गांव में अनामिका नाम की 20 साल लड़की रहा करती थी। वो बहुत बहादुर लड़की थी। उस गांव में अगर कहीं भी कुछ अन्याय होता था तो पहले जाकर वो खड़ी हो जाती थी। वो चाहे जितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, भिड़ जाती थी। और उसकी हिम्मत का कारण ये है कि उसके बड़े बड़े दो जादुई लंबे हाथ थे। उसके दो लंबे हाथ से तेज जाती हुई ट्रेन को भी वो रोक पाती थी। ट्रक, बस, बाइक इनको पकड़ना तो उसके लिए मामूली बात था। उसके माता पिता सरोजा और विनोद दोनों उससे हमेशा परेशान रहते थे। उसका बड़ा भाई रघु अनामिका की करतूत बर्दाश्त ना कर पाते हुए वो अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर भाग गया। पर अनामिका दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी बहादुरी ही उसका दुश्मन था। गांव में सभी लोग उससे जलते थे। उसकी बहादुरी देखकर गांव की सारी लड़कियां उससे जलने लगे। पर गांव का सरपंच हमेशा उससे प्रशंसा करता था। एक दिन गांव का सरपंच उनके घर आकर अनामिका से, बेटी अनामिका, तुम्हारी बहादुरी देखकर भारत सरकार ने तुम्हें ब्रेवरी अवार्ड दे रही है। ये हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। पिछले महीने तुम्हारी वजह से ट्रेन में सफर करते हुए बहुत लोगों की जान बची। तुम अगर अपने जादुई दो लंबे हाथों से उस ट्रेन को रोक नहीं पाते तो आगे जाकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना सुनिश्चित था। तुमने कम से कम 500 लोगों की जान बचाई। इस बात के लिए भारत सरकार तुम्हें तारीफ तो कर रही है, साथ साथ ब्रेवरी अवार्ड के रूप में 5,00,000 इनाम भी दे रही है। कल हमारे गांव में तुम्हें अवार्ड देने के लिए हमारे जिला के कलेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल दोनों आ रहे हैं। हमारे गांव में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। ये बहुत गर्व की बात है बेटी, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। इस बात के लिए मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बेटी। जीती रहो, सदा खुश रहो। इतना कहकर सरपंच वहां से निकल गया। माँ बाप को उसकी तरक्की के लिए तो खुशी हुई, पर अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होने वाला है। कौन लड़का इस बहादुर लड़की से शादी करेगा, ये सोच में वो हमेशा रहते थे। उसकी माँ सरोजा उसके पास जाकर, बेटी हमें खुशी है, तुमने जो काम किया है वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती है। और दुख भी इस बात का है कि कोई आम लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। किस लड़के में इतनी हिम्मत होगी जो तुमसे शादी करेगा, और शादी भी करेगा तो तुम्हारे पास आने के लिए वो डरेगा, क्योंकि तुम्हारे खूनखारपन से हर कोई डरता है। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारा ही दुश्मन है। तुम्हारे भविष्य को लेकर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटी। तब अनामिका हंसते हुए जवाब दी, अरे माँ, मुझ जैसी बीबी मिलना उसकी किस्मत होगी। मुझ जैसी बहादुर बीबी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं है माँ। मैं गुस्सेल जरूर हूँ, लेकिन मैं अपना गुस्सा हर किसी के ऊपर नहीं उतारती हूँ माँ। मैं गलत लोगों के ऊपर गुस्सा निकालती हूँ और गलत बातों को प्रोत्साहन नहीं देती हूँ। और गलत लोगों के साथ गलत करना ही धर्म है, और मैं इस धर्म को मरते दम तक निभाऊंगी, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अन्याय के खिलाफ डट के रहूंगी। शादी होगी या नहीं होगी वो मेरी सोच में नहीं है। होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, उसके लिए मैं परवाह नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से निकल गई। अगले दिन उस गांव में बहुत बड़ा आयोजन रखा गया। उस गांव में पहली बार पुलिस का काफिला दिखा गया। गांव वाले उस काफिले को देखकर परेशान हो गए। कलेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल दोनों मंच पर पहुंचे। मंच पर बहुत सारे भाषण चले। आखिर में इंस्पेक्टर जनरल आकर भाषण में अनामिका को तारीफ के ऊपर तारीफ करते रहे। बहुत सारी बहादुर लड़कियों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, पर एक ट्रेन को रोककर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने वाली लड़की पहली बार मैंने देखा है। ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है। इतनी बहादुर लड़की को सिर्फ ब्रेवरी अवार्ड देना ही मुनासिब नहीं समझा। ब्रेवरी अवार्ड के साथ साथ इस लड़की को मैं स्पेशल टास्क फोर्स में भर्ती भी करने जा रहा हूँ। ऐसी बहादुर लड़की अगर हमारे डिपार्टमेंट में रहेगी, कई मुलजिमों का वो छक्के छुड़ा देगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर जनरल ने उसे ब्रेवरी अवार्ड का मेडल पहनाया और साथ साथ उसके हाथों में वर्दी थमाया। पूरा गांव तालियों से झूम उठा। गांव वाले खुशी से झूम उठे, और ये सब देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू निकल आए। घर छोड़कर भाग गए भैया और भाभी भी अनामिका से माफी मांगने आ गए। अगले ही दिन से अनामिका ड्यूटी में ज्वाइन हो गई। अनामिका ड्यूटी में ज्वाइन होते ही अपने काम में धूम मचा दी। भर्ती होने के 2 महीने में ही अनामिका बहुत मशहूर हो गई। मीडिया वाले अनामिका के कारनामों को लेकर चारों ओर से घेर लिए। घर घर में अनामिका मशहूर हो गई। अनामिका की पॉपुलरिटी देखकर इंस्पेक्टर जनरल का सीना चौड़ा हो गया। अनामिका काम में इतना मसरूफ हो गई कि वो घर, संसार, शादी वादी किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। एक दिन इंस्पेक्टर जनरल उसके पास आकर, बेटी अनामिका, आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के तहत नहीं आया हूँ।
बल्कि मैं आज एक मजबूर बाप के हैसियत से आया हूँ। ये बोलना मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम जैसी बहादुर लड़की के लिए मैं एक डरपोक और कमजोर बुद्धू लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे माँ बाप से बात करता, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाता तो वो सीधा मना कर देते, पर तुम समझदार हो इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। बेटी अनामिका, मेरा इकलौता बेटा रमेश बहुत ही भोला लड़का है और इतना सादा सीधा है कि वो दुनियादारी नहीं समझता है। आज भी वो बच्चों जैसा हरकतें करता है, वो मंद बुद्धि का है, दुनियादारी क्या है उसे पता नहीं है। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तुम उसे भी तुम्हारी जैसी बना सकती हो। मेरा मतलब यह है कि बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? वो सिर्फ भोला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है बेटी, जहां तक मुझे लगता है तुम उसको ठीक से संभाल पाओगी। मैं जीऊंगा तो और कितना दिन जीऊंगा बेटी, मुझे उसकी आगे की जिंदगी के लिए डर लग रहा है बेटी, एक बार सोचो बेटी। बिना कुछ सोचे अनामिका ने जवाब दी, सर आजकल की दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ही कमी है, चोर लुक्के बदमाश चातिर लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। मुझे भी ऐसे एक इंसान की तलाश थी जो मासूम और बहुत ही भोला हो और उसका दिल बहुत ही साफ हो। मैं बहादुर के साथ अच्छी भावनाओं वाली भी लड़की हूँ। मैं आपके बेटे को प्यार के साथ साथ दुनियादारी भी सिखाऊँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है सर। तब इंस्पेक्टर जनरल ने हंसते हुए कहा, आज से सर मत बोलो बेटी, आज से मैं तुम्हारा ससुर हूँ और तुम मेरी बहू हो। अनामिका की शादी रमेश के साथ धूमधाम से हुई। रमेश की शादी अनामिका के साथ तो जरूर हो गई, पर रमेश अनामिका से डरता था क्योंकि वो अनामिका की करतूते और बहादुरी टीवी में देख लिया था। इसलिए वो अनामिका के पास जाना तो दूर, उसकी आंखों में आंखें डालकर भी देखना उसके लिए खतरनाक था। अनामिका ने लाख कोशिश की पर वो रमेश को अपना नहीं पाई। ये सब देखकर रमेश के पिता आईजी प्रसाद और माता शारदा परेशान हो गए। एक दिन शारदा रमेश के पास जाकर प्यार से समझाई, बेटा रमेश, अनामिका तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुमने टीवी में जो भी देखा वो सच है, वो दुश्मनों के लिए दुश्मन है और अपनों के लिए फरिश्ता है। जिन लोगों को उसने मारा था वो लोग गलत थे, बुरे लोगों को मारना गलत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बोला था, धर्म को जीतने के लिए अधर्म के रास्ते पर चलना भी धर्म है, और तुम्हारी बीवी भी वही काम कर रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली जिसने दुनिया में अपना एक मुकाम बना पाई है। बेटा तुम उसे समझो और उसे अपनाओ। माँ की बात सुनकर वो और डर गया और वो भागते हुए घर से बाहर निकल गया। वो शाम तक घर वापस नहीं आया। शाम को जब घर वापस आया उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसका खून देखकर माँ बाप दोनों परेशान हो गए। तभी अनामिका ड्यूटी से वापस आई और वो अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाकर उससे पूछी, क्या हुआ आपको, आपको किसने मारा, आप मुझे बताइए, मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रमेश डरते हुए अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से बोला, माँ मैं सुबह घर से बाहर निकल गया था ना, तो मुझे कुछ गुंडे घेर लिए और वो लोग मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगे और मुझे बहुत परेशान किए और मुझे खूब मारे और सब लोगों के सामने मेरा मजाक बनाए। माँ मेरा मजाक बना दिए वो, मुझे उनसे बदला लेना है। माँ आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या तुम्हारी मदद कर पाऊंगी बेटा, तुम्हारी बीबी बहादुर है और ताकतवर भी है, तुम भी उसकी तरह बहादुर बनो, वो तुम्हें ताकतवर बनाएगी। तुम उसकी मदद लो, तुम अपनी बीबी से डरते हो पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब देखो वो उन लोगों के साथ क्या करती है, उन लोगों के साथ बदला कैसे लेगी वो तुम अपनी आंखों से देखना, तब जाकर तुम्हें अपनी बीबी के ऊपर प्यार आएगा। जाओ बहू अपना जलवा दिखाओ। इतना सुनने के बाद अनामिका ने अपने पति रमेश को जीप में बिठाकर वो गुंडे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लेकर गई और उन सब लोगों को चुन चुन के उसने मारा। अनामिका उनको मारते हुए देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और रमेश में भी हिम्मत बढ़ी और उसने भी उन लोगों को खूब पीटा। अब रमेश में फूट फूट के हिम्मत भर गया। अनामिका उन सबको मार के उन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दी और बाद में अपने पति रमेश के साथ घर वापस आई। अब रमेश को अनामिका के ऊपर भरोसा आया और साथ साथ उसके ऊपर प्यार भी आया। अब अनामिका धीरे धीरे रमेश के अंदर बदलाव लाना शुरू की। बदलते हुए बेटे को देखकर प्रसाद और शारदा के अंदर अनामिका के प्रति आदर बढ़ गया। एक दिन शारदा जाकर अनामिका से, बेटी तुम अगर नहीं होती तो मेरा बेटा आज नॉर्मल नहीं होता। तुम मेरे घर लक्ष्मी के साथ साथ दुर्गा बनकर भी आई हो, हर गौरत तुम्हारे जैसा होना जरूरी है। शारदा की बात सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। रमेश और अनामिका की सांसारिक जीवन सुधर गया।
देखते ही देखते एक साल के अंदर उन दोनों को एक सुंदर सी बालिका पैदा हुई और वो बालिका के हाथ भी अनामिका के तरह लंबे थे। किशनगंज नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों के पास कई एकड़ जमीन था, पैसों का कोई अभाव नहीं था और बहुत अच्छे दिल के भी थे। लेकिन वो अपने बेटे रमेश को शहर भेजने के लिए नाखुश थे, क्योंकि उनका सोचना ये था कि शहर में जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो अपने बेटे को समझा समझा कर थक गए, पर रमेश समझने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन रमेश अपने माँ बाप से, माँ और बाबूजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं शहर जाकर बिगड़ जाऊंगा? ऐसे कई बच्चे हैं जो शहर जाकर माँ बाप का नाम कमा के आए हैं, और ऐसे कई बच्चे हैं जो विदेश तक जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करके आए हैं। उनमें मैं कई नाम गिन सकता हूँ। एक तो सुंदर पिचैया, जो आज गूगल का CEO है। वो एक ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो विदेश जाकर दूसरा शहर जाकर नाम कमाए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। शारदा और प्रसाद दोनों भावुक हो जाते हैं और शारदा आकर रमेश से, देखो बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पर जमाना खराब है बेटा। इस जमाने ने अच्छे अच्छों को बिगाड़ दिया है, इस बात से हम डरते हैं। हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है, पर बेटा एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई हो ना हो, लेकिन दिन रात अगर हमारी सोच में कोई बैठ रहा है, वह तुम्हारे माँ बाप है। तुम वहाँ पर रहोगे तो हमारी फिक्र तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। बस एक बात मत भूलना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपको आपकी परवरिश के ऊपर भरोसा है, वैसे मेरे ऊपर मुझे भरोसा है। मैं आपका लाडला हूँ, मैं नाम कमा के आऊंगा, नाम डुबो के नहीं आऊंगा। मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए। अब तो मुझे इजाजत दीजिए पापा। जा बेटा जा, हम तुम्हारे साथ सदा हैं, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। पापा की इजाजत मिलने के बाद रमेश अपना सामान पैक किया, शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में वो अपने बचपन का दोस्त मुन्ना के साथ रहने लगा। मुन्ना शहर आकर पूरा बिगड़ गया। एक दिन मुन्ना रमेश से, अरे यार, तू तो बाबा आदम के जमाने का पीस निकला, अब तुझसे क्या बात करनी है? तुझे अगर कुछ बोलूंगा तो तू मुझे प्रवचन देगा। अरे दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है, पर तू वही के वही है। तू तो सिर्फ इन किताबों में खोया रहता है। एक बार मेरे साथ चल मेरे यार, तुझे असली दुनिया दिखाता हूं। मुन्ना की बात सुनकर रमेश ने मुन्ना से ऐसा कहा, मेरी नजर में दुनिया अलग है मुन्ना। मेरी दुनिया तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, मुझे कुछ अलग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू गलत है। तूने जिस दुनिया को चुना है उस दुनिया में तू जी रहा है। किसी को गलत बोलने का हक किसी के पास नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी दुनिया ही सही है। और तुम्हारा हक भी ये नहीं बनता कि तुम अपनी दुनिया में किसी और दुनिया को मिलाओ। ये बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जाओ मुझे पढ़ने दो। एक दिन मुन्ना फुल टाइट होकर रात के 12 बजे लौटा और उसके हाथ में दारू का बोतल था। वो लुढ़कते हुए आकर घर में सो गया और उसका वो बोतल बाजू में ही रखा। अचानक रमेश की नींद खुली, उसको बहुत प्यास लगी। घर में पानी नहीं था, चारों ओर ढूंढा पर उसे कहीं पानी की बूंद तक नहीं मिली। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। इतनी प्यास लगी कि उसे अपने माँ बाप की याद आई। उसकी जान चली जा रही थी, वैसा उसे लग रहा था। रमेश की नजर उस बोतल के ऊपर गिरा, उसे जूस समझकर टकाटक टकाटक पी गया। उसे पीते वक्त बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि और पीने को मन कर रहा था, लेकिन बोतल पूरा खत्म हो गया। अब उसको नशा चढ़ने लगा। वो ऐसी गहरी नींद में सो गया कि अगले दिन सुबह दोपहर के 2 बजे उठा। आंख खोलकर देखा तो मुन्ना अपने कई दोस्तों के साथ दारू की बोतल के साथ बैठा रहा। रमेश मुन्ना और उनके दोस्तों को देखा, साथ साथ उस बोतलों को देखा। तब रमेश मुन्ना से, अरे यार, कल रात मैंने यही पिया था। इसे पीते वक्त मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे और पीने को मन किया। क्या मैं इसे पी सकता हूँ? तब मुन्ना हंसते हुए उससे, क्यों नहीं पी सकता है मेरे दोस्त, ये तो मैं तेरे ही लिए लाया हूँ। मुझे पता है तूने कल मेरा पूरा बोतल पी लिया था, और मुझे ये भी पता है कि तुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए आज की शाम तेरे नाम। रमेश मुन्ना और बाकी दोस्तों के साथ पीता और उसके बाद पब जाता है। उस पब में उसको अनामिका नाम की एक खूबसूरत लड़की मिली। पहली ही नजर में उसे प्यार हो गया, क्योंकि रमेश पिया हुआ था, उसके अंदर हिम्मत फूट फूट के था। वो सीधा जाकर अनामिका को प्रपोज किया। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं, तुम्हारा काम क्या है मुझे पता नहीं,
तुम हो कौन वो भी मुझे पता नहीं। तुम इस धरती से हो या फिर किसी और जहां से, वो भी मुझे पता नहीं। तुम परी हो या देवता हो, वो भी मुझे पता नहीं। पर एक बात पता है, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। और मैं तुम्हारा हूँ और मैं किसी का भी नहीं हो सकता। रमेश की बात सुनकर सब हंसने लगे, पर अनामिका को उसकी बातें अच्छी लगी और वो रमेश से मुस्कुराते हुए पूछी, क्या मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ? खुद से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? खुद से भी ज्यादा, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें BTS ग्रुप मालूम है? वो किस खेत की मूली है? वो कोरिया का ऐसा पॉपुलर ग्रुप है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस दिन तुम मुझे उनके साथ मिलाओगे, उसी दिन मैं तुमसे शादी करूंगी। रमेश होश में नहीं था, इसलिए उसने अनामिका से वादा किया। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा और उनके हाथों तुम्हें ऑटोग्राफ दिलाऊंगा। क्या उसके बाद मुझसे शादी करोगी? तब अनामिका बोली, उसके बाद तुम मुझे अपने साथ कहाँ भी लेकर जाओ, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ आऊंगी। बिना किसी नोकझोंक के तुम्हारे पीछे पीछे धूम हिलाते हुए आ जाऊंगी। तो समझो वादा पूरी हो गई। रमेश अब धीरे धीरे बिगड़ता गया। वो दिन रात पीने में ध्वस्त रहा। वो अनामिका के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसकी कही हुई हर बात माना। अब उसको दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ से अनामिका 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 ही दिख रही थी। पर अनामिका का लक्ष्य और था, वो सिर्फ BTS ग्रुप से मिलना चाहती थी। एक दिन अनामिका गुस्से में आकर रमेश से, मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती इसलिए किया था कि तुम मुझे BTS ग्रुप वालों से मिलाओगे। तुम्हारा पागलपन मेरे सर के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन तुम मुझे BTS ग्रुप वालों के साथ मिलाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो। याद रखो, मुझे BTS ग्रुप वालों के ऑटोग्राफ से बढ़कर तुम नहीं हो। बंदोबस्त करो वरना मैं तुम्हें किसी भी वक्त छोड़ दूंगी। मैं अपने वादे की पक्की हूँ। तुम भी अपने वादे पे टिके रहोगे तो हम दोनों की शादी हो सकती है। चलती हूँ। अनामिका की बात सुनकर रमेश की होश ठिकाने पर आया। अब वो BTS ग्रुप वाले कहाँ कहाँ पर है, उनका शो कहाँ कहाँ पर होता है, वो ढूंढने लगा। इंटरनेट में सर्च किया। हिंदुस्तान में तो उसका एक भी शो नहीं हो रहा था, और अगर विदेश में शो दिखा रहा था तो एक भी टिकट मिलना नामुमकिन था। उसको ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे उन ग्रुप वालों के साथ मिलाएगा। रमेश पागलों की तरह दिन रात इस खोज में लगा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। रमेश को एक आइडिया आया। वो उन ग्रुप वालों को एक मैसेज किया कि उसका एक दोस्त कैंसर पेशेंट है, वो अपने आखिरी समय पर आप ग्रुप वालों से मिलना चाहती है। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बार बार वही मैसेज उनको भेजता रहा। एक दिन अचानक उन ग्रुप वालों के तरफ से उसको एक मैसेज आया कि आप अपने दोस्त को लेकर साउथ कोरिया पहुंच सकते हैं और आपके दोस्त को उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा। वो मैसेज पढ़कर रमेश खुश हो गया और उन ग्रुप वालों की तरफ से उनका एड्रेस भी मिल गया। अब वो अनामिका को लेकर साउथ कोरिया रवाना होने की तैयारी में लगा। घर से निकले 6 महीने हो गए। 6 महीने में 6 बार भी उसने फोन नहीं किया। अब अचानक वो अपने घर वालों को 5 लाख रुपए मांगे। तुरंत उसके पिता रमेश को फोन करके पूछे, बेटा मुझे 5 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या तुम इस पैसों का सही इस्तेमाल करोगे या कोई गलत इस्तेमाल करोगे, मुझे बताओ बेटा। फोन पर अपने पापा की बात सुनकर रमेश, पापा आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कोर्स के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए कोरिया जाना चाहता हूँ। 1 महीने में वो कोर्स सीख लूंगा तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, इसलिए मुझे 5 लाख जरूरत है। प्लीज पापा आप मुझे निराश मत कीजिए, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करके मुझे भेजिए और मुझे यहाँ पर पासपोर्ट रेडी करनी है। बिना कुछ सोचे समझे प्रसाद अपने बेटे को 5 लाख रुपए भेज देता है। रमेश अब अपनी और अनामिका की पासपोर्ट के साथ साथ कोरिया के लिए वीजा भी अप्लाई करता है। अनामिका को वो कोरिया लेकर जाता है। अनामिका कोरिया जाकर BTS ग्रुप वालों को देखकर इतना खुश हो जाती है ताकि मानो उसको स्वर्ग मिल गया है। वो उन ग्रुप वालों के पास से ऑटोग्राफ लेती है और ऑटोग्राफ लेने के तुरंत बाद वो रमेश को गले लगाकर, मैं अभी के अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ कहकर कोरिया में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों सीधा उनके गांव पहुंचते हैं
और गांव जाकर अनामिका अपने पति के साथ रहने लगती है और वो अपने सास ससुर को भी मना लेती है। रमेश का एक झूठ उसका जीवन बदल देता है। उसने अनामिका को पा लिया और अनामिका एक अच्छे सास ससुर को पा ली। अनामिका रमेश की सारी गंदी आदतें दूर कर देती है। अब रमेश शहर और विदेश का नाम तक नहीं लेता है। रमेश अपने माँ बाप के साथ जमीन जायदाद को संभाल के खुशी खुशी रहने लगता है और एक साल के अंदर उनके यहाँ एक सुंदर सा बालक पैदा होता है और उस बालक का नाम BTS राम रखे।